हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर मैथ्स क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर एंड चैप्टर नेम इज प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द चांस ऑफ एन इवेंट ऑक्यूरिंग। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या है? एक वे है किसी इवेंट के होने या ना होने के चांसेस को डिस्क्राइब करने का। इट मीन्स देखिए, हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखिए, प्रोबेबली ही विल विन द मैच, ये प्रोबेबली है कि वह मैच जीतेगा, और यह भी हो सकता है वह यह मैच ना जीते। इट मीन्स यदि कोई इवेंट है वो होगा या नहीं होगा, इसके जो चांसेस है उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, आज रेन होगी, कल रेन नहीं होगी, तो क्या हम यहाँ श्योर नहीं है, बट हम एक गैस कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को डिस्क्राइब करता है। क्लियर? देखिए, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, तो हम सबसे पहले उन्हें डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है? एन इवेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इवेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स है उनका कलेक्शन है। नेक्स्ट, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं? जैसे कि किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस है वह इक्वल है, तो वे क्या कहलाते हैं? इक्वली लाइकली कहलाते हैं। जैसे कि इन थ्रोइंग अ कॉइन इट इज इक्वली लाइकली टू गेट हेड और टेल। क्लियर? नेक्स्ट, इम्पॉसिबल इवेंट। एन इवेंट विच नेवर हैपन इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। वह इवेंट जो कभी नहीं हो सकता क्या कहलाता है? इम्पॉसिबल इवेंट्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट टुमोरो। कल सन कहाँ से निकलेगा? वेस्ट से। तो ये कैसा इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट है। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वह क्या होती है? जीरो होती है। नेक्स्ट, सर्टेन या श्योर इवेंट। एन इवेंट विच ऑलवेज हैपन इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। वह इवेंट जो होगा वह क्या कहलाता है? श्योर इवेंट कहलाता है। इट मीन्स वह इवेंट जो हमेशा होगा यानी श्योर है, तो वह कैसे इवेंट कहलाता है? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, द सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट टुमारो। सन कहाँ से राइज होगा? ईस्ट से। तो ये कैसा इवेंट है? श्योर इवेंट है। क्लियर? और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है क्या होती है? वन होती है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी भी इवेंट के ऑक्योर होने के जो चांसेस है प्रोबेबिलिटी उन्हें मीजर करती है। क्लियर? तो देखिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। शॉर्ट में लिख सकते हैं हम एन ब्रैकेट में ई अपॉन एन ब्रैकेट में एस। तो देखिए, एन ई किसके लिए यूज करेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। एन एस किसके लिए यूज होगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। PE क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, वैन यू फ्लिप अ कॉइन आइदर हेड और टेल विल कम अप। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? टू। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी कॉइन को फ्लिप करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? टू। क्योंकि देखिए, जो कॉइन होता है उसमें या तो टेल होगा फ्लिप करने पर या फिर हेड होगा, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए? टू। अब एक हेड आने की या एक टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? वन होगी, क्योंकि जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वन। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो क्या हो गया? वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे निकालेंगे हम? फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? वन। और पॉसिबल क्या था? टू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होगी? वन अपॉन टू।
फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं? द आउटकम्स विच इंश्योर द अक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स टू दैट इवेंट. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंस्टेड ऑफ नंबर्स द लेटर्स इन द वर्ड चांस वर स्टक ऑन अ डाई. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग लेटर एच अ वोवेल अ कॉन्सोनेंट एनी लेटर एक्सेप्ट ई. तो यानी कि यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है चांस और इसके जो वर्ड है यानी जो लेटर्स हैं वो किसके ऊपर स्टक किए हुए हैं? डाइस के ऊपर. ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सबसे पहले हम निकालें लेटर एच की. तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 6. क्योंकि देखिए जो वर्ड दिया है हमें चांस उसमें कितने लेटर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो पॉसिबल आउटकम्स टोटल कितने हैं? 6. फेवरेबल आउटकम्स हमें यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? लेटर एच की. तो फेवरेबल आउटकम्स जो है वो क्या हुआ? 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर एच निकालेंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या लगता है हमारा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 1. और पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर एच क्या हो गई? 1/6. क्लियर. नेक्स्ट फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल. तो देखिए द वॉवेल्स इन द वर्ड चांस आर ए एंड ई. ये जो वर्ड दिया है चांस इसमें वॉवेल कितने हैं? 2 हैं, ए एंड ई. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? 2. और पॉसिबल आउटकम क्या थे? 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वॉवेल कितनी हो जाएगी? 2/6. इसे रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1s are 2, 2 3s are 6. देयरफॉर आंसर इज 1/3. आंसर हम हमेशा किस में लिखते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं. क्लियर. नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट. तो देखिए ये जो वर्ड दिया है चांस इसमें कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? CH NC. देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 4. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 6. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू 4/6. रिड्यूस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2/3. नेक्स्ट अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें? लेटर एक्सेप्ट ई. यानी ई को छोड़कर जो लेटर्स हैं उनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो अगर हम ई छोड़ देंगे तो क्या लेटर्स रह जाते हैं हमारे पास? CHANC, 5. इट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए? 5. और पॉसिबल आउटकम्स सी. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट ई इज इक्वल टू 5/6. क्लियर. सिंपली जो हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो दिया हुआ उसमें वैल्यूज पुट करके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. बट आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि उसमें फेवरेबल आउटकम्स क्या है एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है. क्लियर. ओके एंड थैंक यू.